वेक्टर अलजेब्रा के अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा। टॉपिक्स है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये एसटीपी है क्या? इसकी क्या डेफिनेशन है? तो इसकी डेफिनेशन हम बताते हैं। सपोज थ्री वेक्टर्स ए बी सी है, तो जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा वो होगा वेक्टर ए डॉट ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी स्मॉल ब्रैकेट क्लोज। तो ये जो हमको मिला फंक्शन वेक्टर ए इनटू ब्रैकेट के अंदर वेक्टर बी क्रॉस सी, ये कहलाएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इट इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर के अंदर अगर हम ए बी सी लगा देंगे कॉमा लगा के बड़े ब्रैकेट के अंदर, तो इसको हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से डिनोट कर देंगे। इट मीन्स कि ए डॉट बी क्रॉस सी इज कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड इज इक्वल टू लार्ज ब्रैकेट के अंदर ए बी सी, जो हमने यहाँ पर दर्शाया है, इंडिकेट किया है, इसे ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज रिप्रेजेंटेड, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड। वी विल प्रूव इट बाई ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। हियर वी टेक ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड वी एक्सटेंड इट टू ए पर्टिकुलर हाइट, सपोज हाइट एच। हियर ए ई इज इक्वल टू बी एच इज इक्वल टू सी जी इज इक्वल टू एफ इक्वल टू एच। ये हमने इसकी हाइट, एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, और इसको जो हमने इसमें दिया है ए ई इज इक्वल टू बी एच इज इक्वल टू सी जी इज इक्वल टू डी एफ। इतनी हाइट, मतलब ये क्या है, ये एच हाइट तक हमने इसको एक्सटेंड कर लिया। नाउ वेक्टर्स ए बी सी आर रिप्रेजेंट थ्री एजेस ऑफ पैरेललोपाइप्ड। पैरेललोपाइप्ड के थ्री एज हैं ए ए डी एंड ए बी। ये थ्री एजेस हमने यहाँ पर दर्शाए हैं। बी क्रॉस सी वेक्टर, बी क्रॉस वेक्टर सी इज द, को अगर हम मॉडुलस ले लेंगे तो ये क्या होगा, ये बेस एरिया ऑफ पैरेललोपाइप्ड, ये पैरेललोपाइप्ड का बेस एरिया कहलाएगा। नाउ वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड इज इक्वल टू हाइट इनटू बेस एरिया। नाउ वी रिक्वायर द हाइट ऑफ पैरेललोपाइप्ड। एरिया हमको मिल गया बी क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी को अगर हम मॉडुलस ले लेंगे तो वो हमको क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा, बेस एरिया ऑफ पैरेललोपाइप। नाउ वी रिक्वायर टू फाइंड आउट द हाइट। वेक्टर बी क्रॉस सी क्या है, वेक्टर बी क्रॉस सी जो है एक वेक्टर है जो परपेंडिकुलर है वेक्टर बी एंड सी के, वेक्टर बी एंड सी के परपेंडिकुलर है। ए इज द स्लैंट हाइट। ये क्या है, ये हाइट जो है थोड़ी स्लैंट है, इसलिए इट वी टेक प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी क्रॉस सी, क्योंकि वेक्टर बी क्रॉस सी क्या है, वेक्टर बी और वेक्टर सी के परपेंडिकुलर है। लेकिन यहाँ पर जो वेक्टर ए है ये थोड़ा
स्लाइंट है, ये जो हाइट है थोड़ी स्लाइंट है, इसलिए हम वेक्टर ए का जो प्रोजेक्शन है वो वेक्टर बी क्रॉस सी के लिए निकाल लेंगे, जिससे क्या होगा हमारी पैरेललोपिपेड की हाइट मिल जाएगी। वी विल गेट द हाइट ऑफ पैरेललोपिपेड, अगर हम इसका प्रोजेक्शन वेक्टर ए का प्रोजेक्शन वेक्टर बी क्रॉस सी पे निकाल लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगी, पैरेललोपिपेड की हाइट मिल जाएगी। और जब हमको हाइट मिल जाएगी देन नाउ द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्रॉस सी इज इक्वल टू वेक्टर ए इनटू वेक्टर बी क्रॉस सी डिवाइडेड बाय वेक्टर बी क्रॉस सी का मॉडुलस, इट इज द हाइट ऑफ पैरेललोपिपेड। नाउ द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड इज इक्वल टू हाइट इनटू बेस एरिया। नाउ द हाइट, हाइट अभी हमने निकाला है, हाइट इज इक्वल टू वेक्टर ए इनटू वेक्टर बी क्रॉस सी डिवाइडेड बाय वेक्टर बी क्रॉस सी का मॉडुलस इनटू वेक्टर बी क्रॉस सी का मॉडुलस। वेक्टर बी क्रॉस सी का मॉडुलस क्या है, ये बेस एरिया है, और ये इधर ए वेक्टर ए इनटू बी क्रॉस सी डिवाइडेड बाय वेक्टर बी क्रॉस सी का मॉडुलस, ये क्या है, ये हमारा प्रोजेक्शन है वेक्टर ए का बी क्रॉस सी पे, और यही हाइट है। तो हाइट इनटू बेस एरिया इज इक्वल टू क्या हो गया, हो गया वेक्टर ए इनटू वेक्टर बी क्रॉस सी। इट इज कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और इसका हम मॉडुलस ले लेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी का, क्योंकि जो वॉल्यूम होगा वो निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम इसका मॉडुलस ले लेंगे और वो क्या हो जाएगा, वो पैरेललोपिपेड का वॉल्यूम हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।